All right, सुनील भाई, हिंदुस्तान को इतने सारे कैरेक्टर आपने दिए और अब गुत्थी एकदम से, गुत्थी इज लॉस, गुत्थी कहाँ है? आपने जगराते वाली चुन्नी पहनी हुई थी, पहले मुझे ये बताइए वो क्यों पहनी हुई थी? जो सस्ती मिली वही ले आया मैं तो यार, अब किसी की खींच के लेकिन वो नहीं काम कर सकता मैं। आप क्या कह रहे थे मुझसे पूछिए? मैं ये कह रहा था कि गुत्थी इज लॉस समवेयर, मतलब गुत्थी कहाँ है? गुत्थी यहाँ है इस वक्त, हर कहीं है गुत्थी, तो हर जगह ही होती है, छोटी छोटी गुत्थी उलझी होती है, सुलझी होती है, साफ सुथरी होती है, हर जगह होती है, लेकिन हाँ टेलीविजन से कुछ समय से गायब है। एक शो में जिसका वो हिस्सा रही है वो उस शो में नहीं है। और गुत्थी, अगर गुत्थी की नहीं सुनील ग्रोवर की बात करेंगे आज हम, बिकॉज बेसिक एजेंडा हमारा ये है कि एक नया जोन बनाना कॉमेडी का, दैट इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड। तो शुरुआत आपकी एक छोटे से शहर से हुई, देन यू वेंट टू चंडीगढ़, देन यू केम टू दिल्ली, देन यू वेंट टू मुंबई। तो ये जो सफर रहा आपका, इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने उठाए हैं, तो शुरुआत मेरे ख्याल से बचपन में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि शुरू से ही ऐसे रहे होंगे आप। ये सारा जो सफर आपने एक्सप्लेन किया है, ये पहले तो साइकिल से शुरू हुआ, फिर बस में आया, फिर ट्रेन में आया, फिर धीरे धीरे हवाई जहाज में चला गया। हाँ। और एक बार हेलीकॉप्टर में भी हुआ है। तो बड़ा सुहाना सफर रहा है अभी तक का जी। अब इसके बाद मेरी इच्छा है रॉकेट में बैठने की। और आप पूछ रहे थे कि ये बचपन से लेकर ये जो मेरी जर्नी है ये कैसी रही है, तो मैं एक छोटे से शहर से हूँ जो है मंडी डबवाली, अब हरियाणा पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पर है वो शहर। वहाँ पे बड़ी सारी गुत्थियाँ होती हैं, ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनको हम लोग देखते रहते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं जिनसे हम सीखते रहते हैं। फिर वहाँ से चंडीगढ़ आया मैं पढ़ने के लिए, मास्टर्स मैंने ड्रामा में किया, थिएटर में किया। दिन में मैं हैमलेट प्ले करता था, हैमलेट बना हुआ था एक प्ले में, कोकेजियन चौक सर्कल करता था जिसमें सीरियस रोल करता था, और शाम को किसी सिंगर के साथ में लगा होता था, अब सुनिए आप सिद्धू पाजी की आवाज। तो ये सब कॉन्ट्रास्ट एक जिंदगी रही है, लेकिन वो जितने भी लोग इस दौरान मिलते चले गए, उनके साथ काम, उनको देखता था, उनको ऑब्जर्व करता था, रिश्तेदारों से मैंने बहुत कुछ सीखा। ये आधे तो मेरे रिश्तेदार है जो मैं करता हूँ यहाँ पे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझसे पैसे मांग लेंगे वो। लेकिन जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो कॉलेज में हम लोगों के पास कम पैसे होते हैं जेबों में खर्च करने के लिए, तो मैंने अपने मामा को एक बार फोन लगाया, मलोट में रहते हैं, पंजाब में एक शहर है छोटा सा, तो वहां उनको फोन लगाया तो मामी जी ने उठा लिया, मुझे मामा जी से बात करनी थी कुछ बहुत जरूरी, तो मैंने फोन लगाया। और वहां पे उन दिनों एसटीडी के मीटर चलते थे जिसके ऊपर 2 रुपए 20 पैसे 65 पैसे से शुरू होता था मीटर, उसके बाद 3 रुपए 5 रुपए 7 रुपए। कानों में क्या बात चल रही है? छोटी छोटी बातें मत पकड़ो, आप बताओ जो बता रहे थे। तो मैंने फोन लगाया तो मेरा दिल कर रहा है मामा जी आ जाए लाइन पे, लेकिन मामी जी ने उठा लिया फोन गलती से घर पे, मेरी किस्मत बुरी। तो मैंने उन फोन लगाया, मैंने कहा हेलो मामी जी, मेरा एक एक नजर मीटर पे ऊपर है। हेलो, मैं कहा मामी जी सुनील। कौन? मैं कहा सुनील। सुनील? सोनू। सोनू? 5 रुपए 72 पैसे हो गए इतने में। मामा जी आए नहीं अभी तक। मैं कहा मामी जी, मामा जी ना गल करनी थी, मामा जी से बात करनी है। तो किसके साथ? मामा जी। और कौन? मामा जी। अच्छा, 7 रुपए 72 पैसे में मेरे मामा जी लाइन के ऊपर आए। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये 7 रुपए जो 72 पैसे हैं जो मामी ने मेरे खर्च करवाए हैं, ये मुझे 0 लग के मिलने वाले हैं, क्योंकि मामी जी का मैंने कैरेक्टर पकड़ लिया। और मुझे एहसास नहीं था कि कोई कॉमेडी कैसे कर सकता था। मैं जैसे घर पे रिश्तेदार होते थे, घर के फैमिली मेंबर्स होते थे, कोई शादी होती थी, तो मैं कहता था कि अगर मान लो छोटी चाची की बड़ी चाची से लड़ाई हो जाए, मामी की इस मामी से लड़ाई हो जाए, तो कैसा माहौल होगा। तो सब लोग हंसते थे। घर के बाहर मैं एक बार पिटाई भी खाई मैंने ऐसे करते हुए, कैरेक्टर कर रहा था, शराबी था हमारे यहाँ, पवना करके था। तो वो रोज शाम को, दिन में गोलगप्पे की रेडी लगाता था वो, और शाम को खंबे के सामने खड़े हुए खंबे से बड़ी देर तक बातें करता था, मतलब ऐसा सोल शेयर करते ना खंबे के साथ, ऐसे दिल की बातें। लेकिन वो शराब पी के करते थे, उसको 1.5-2 बोतल शराब पी लेते थे वो। कैसे आराम से? मतलब जरा वो करते थे, दिन में आराम से गोलगप्पे फोड़ के उसमें भरते थे।
गुत्थी आ रही है थोड़ी थोड़ी। वो ऐसे ही थे, उन्हीं में से निकली है गुत्थी कहीं ना कहीं से। तो ऐसे दे देते थे। तो शाम को उनका प्रचंड रूप होता था बहुत, क्योंकि अंदर वो चली जाती थी। तो वो खंबे से बड़ी देर तक बातें करते रहते थे और ब्याह कर रहे हैं, यू आर माई दुल्हन। तो मैंने क्या कि ये कैरेक्टर लिया और हर शादी में जो घर के माहौल में हम सब लोग इकट्ठे होते थे वहां करने लगता, सब लोग हंसते थे इन चीजों को लेकर। मुझे पता नहीं लगता क्यों हंस रहे, मैं तो वही कर रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। पर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये प्रोफेशन भी बन सकता है और फिर मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया और ये चलता चला गया। उसमें अब कई लोग बातें करते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये कैरेक्टर हमने बनाए हैं, ये कैरेक्टर जो है हमारे हैं। तो मैं पहले कई कैरेक्टर कई जगह कर चुका हूं, तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कर चुका हूं, उसके बाद ये सब बातें कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि सरेआम कैसी बात कर रहे हैं। और ये गुत्थी की अगर बात करें तो ये आविष्कार कहां से हुआ गुत्थी का? क्योंकि गुत्थी कोई मतलब बल्ब तो है नहीं जिसका कोई आविष्कार होता है। थॉमस एडिसन ने 3000 बार प्रयास किया और आविष्कार कर दिया उसका। नहीं फिर भी मतलब इट इज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। असली लड़की ऐसी देखी आपने मतलब कहां? मैं गुरु नानक कॉलेज में पढ़ा था 2 साल किल्यावाली में, पंजाब का डबवाली से जुड़ा हुआ एक गांव है, वहां पे कोएड कॉलेज था वो और 7 लड़कियां थी उसके अंदर। 4300 लड़के थे। तो एक लड़के के मतलब 1000 लड़के के प्रति कुछ पौनी लड़की पड़ती थी। अगर रेशो देखी जाए तो आप देखिए कि एक और उनमें से 7 में से 4 के माँ बाप कॉलेज भेजते नहीं थे उनको, तो 3 ही आती थी। वो बेचारे शायद उनके माँ बाप होंगे। आओ जी, आपकी काम में बोलने आई हूँ, आपके काम में बोलने आई हूँ कि आप इत्तेफाक से माइक पर बैठे। मैं किसी ना किसी चीज के ऊपर बैठ गया। अच्छा तो हम बात कर रहे थे, कैन बी डांस, कैन बी, कैन बी, कैन कैन गुप्ती से समथिंग अबाउट Are you ready, Ron? इनकी वजह से न्यूज चैनल बड़े चलते हैं। इनकी वजह से देख लीजिए। हमको खबर तो समझ में आती नहीं, हूं तो लड़का ही ना। बहुत बड़ी गलत कहती है इनको देख के अपना मन बहला लेते हैं। मतलब ये भी रीजन है आपका चैनल इतना पॉपुलर है कि आप मतलब एक होता ही है। तो मैं तो उस कॉलेज से आया ना जिस कॉलेज की बात बता रहा था ना कि जहां पे 2.5 लड़कियां। तो चलिए, थैंक यू। हाँ बताओ क्या हुआ? बिल्कुल लग रहा है घर पे शादी चल रही है ना। जीजा जी आ गए वहां पे, बारात आ गई, वो भी आ गए। कहाँ हो, मिलनी करनी है, रिबन काटना है, सालियां कहाँ है, सब कुछ ऐसा मीठा मीठा सा माहौल लग रहा है क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे इस मंच पे आए हुए हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही, इसको हाथ में पकड़ लूं मैं? नहीं, थोड़ा सा आगे कर लो इसको, लबों के करीब। ये बस रोमांटिक बना दिया आपने माइक को, है ना? लबों के करीब। तो यहाँ पे माहौल ही कुछ ऐसा है इस वक्त मजेदार कि बाबा रामदेव थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले हैं। अभी आए नहीं है, पीछे मत मुड़ के देखो, उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, वो दिखा देते हैं अपने आप को कि वो आ गए हैं और उसके बारे में उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आ जाएंगे। आमिर खान साहब आने वाले हैं, शाहरुख खान साहब आने वाले हैं। अगर वो थोड़ा लेट भी हो जाएं तो वो आप चिंता ना करें, थोड़ी देर मैं संभाल लूंगा उनकी जगह। बिल्कुल मतलब मैं कर लूंगा मैनेज। और एक और चीज मेरे को जहन में आती है, कॉलेज की कहानी लीजिए, एक सवाल इसके जहन में। दूसरी चीज आने से पहले वो कॉलेज की कहानी। तो वहां पे जैसा मैंने बताया कि 1000 लड़कों के पीछे 4.5 लड़कियां पढ़ती थी कुछ ये एवरेज से, पिछली बार एवरेज निकली थी वही। तो अब हर लड़का हर लड़की की तरफ, मतलब 400 लड़के सोचो एक लड़की की तरफ ऐसे देख रहे हैं। तो अगर लड़की गलती से ये भी पूछ ले कि रिजल्ट आ गया, ओ बेटा तेरे से तो फंस गई, ओ ये तो तेरी हो गई, ओ होए तेरे से ही पूछा इसने रिजल्ट आ गया, वाह हमसे नहीं पूछा। और उस दौरान एक आधा लड़का ऐसा भी होता था जो ये मान के चलता कि बहुत सारे लड़के हैं, बड़े सारे दिमाग है, अपने अपने दिल को बहलाना है ना सबको, वो जवानी भी है। तो एक आधा लड़का ये भी सोचता था
मेरे से बात नहीं की बिकॉज वो मेरे को चाहती है दुनिया को शक ना पड़ जाए. All right. और कई लड़कों को वो लड़की बहन भी भैया भी बोल देती थी. वो मतलब भैया एक्सक्यूज मी मैं जाना है तो निकल जाती थी. वो भी मान के चलता था भैया शायद जमाने को बताने के लिए बोल रही है क्योंकि इसके भाई पहलवान है तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं बिकॉज शी लव्स मी. तो ऐसी बातें उस माहौल से उस कॉलेज से आए तो वहां पे वो लड़कियां जो थी आज शायद पता नहीं कहां होंगी. माफ कर देना मैंने आपके ऊपर लाइन मारी बट आपने भी मुझे कोई भाव नहीं दिया. वो जो लड़कियां थी वो वैसी ही लड़कियां थी जैसे गुत्थी है. उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूं. और वो वनबी एक एंगल होता है जो सबसे स्वीट एंगल होता है. मैं भी एक छोटा सा वनबी हूं थोड़ा सा बड़ा ही हूं छोटा सा ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूं. क्योंकि वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता हुआ एंगल जो वनबी मैंने कैरेक्टर किया था शूट भी किया था रेडियो के ऊपर वो भी वनबी था. मेरे अंदर का जो वनबी है वो मुझे उसमें बड़ी जो परफेक्ट जो चीज होती है ना वो मजेदार नहीं लगती. जिसमें थोड़ी सी कमी हो जिसमें थोड़ी सी चाह बाकी हो जिसमें कुछ और बनने की इच्छा हो जो वो है नहीं वो मुझे बड़े आकर्षित करते हैं वो चीजें.